आप लोग पुलिस वाले सब पीछे हो जाओ, मेरी जनता है, मुझे उनके साथ रहना है। सब पीछे हो जाओ। मेरे साथ मेरे मंच पे खड़े हुए कांग्रेस का प्रत्याशी केवल नहीं, राहुल गांधी का प्रत्याशी केवल नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कुशीनगर और इस खड्डा क्षेत्र की जन जन का प्रत्याशी आरपीएन सिंह साहब जो मंच पे मेरे साथ में खड़े हुए हैं। यहां से आप लोग आराम से अगर बैठ जाओगे तो आपके पीछे वाले लोग भी देख पाएंगे। बैठ जाओ, कृपा करके बैठ जाओ, बैठो। मैं यही हूं, कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आपकी आज्ञा न मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ ही रहेगा। बैठो 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 दादा, बैठो बैठो बैठो। आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं उस धरती पे उपस्थित हूं, उस कुशीनगर की धरती पर, जिस धरती पर एक राजनीतिज्ञ इस मंच पर नहीं खड़ा है, एक नेता इस मंच पर नहीं खड़ा है, एक नेता इस मंच पर नहीं खड़ा है। मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे कहा था बचपन के समय में, मान लो मेरी बात, मैं तुम्हारा ही हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। बैठो, चलो बैठ जाओ। लाल दुपट्टे वाले चलो बैठो, बैठ जाओ, बैठो। जब तक तुम नहीं बैठोगे मैं शुरू नहीं करूंगा। बैठो, हाँ ये हुई ना बात। चलो, मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे कहा था 20-25 साल पहले जब मैं राजनीति में नहीं था कि याद रखना सिंधिया परिवार का लक्ष्य राजनीति नहीं है, सिंधिया परिवार का लक्ष्य जनसेवा है और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं है। तो आज इस मंच पर मेरे साथ जो व्यक्ति खड़ा है, मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं बधाई और धन्यवाद इनको अर्पित करना चाहता हूं। मैं इनसे उम्र में छोटा हूं, इनसे अनुभव में छोटा हूं, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस मंच पर जो उम्मीदवार खड़ा है मेरे बड़े भाई के समान मेरे खड़ा। और मैं बड़ा भाई इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि ये एक अनुभवी नेता है, मैं बड़ा भाई कह रहा हूं और अपने गुना के चुनाव के अभियान को छोड़कर मैं यहां आया हूं चुनाव संपन्न होते ही, क्योंकि आज आपके बीच में मैं कोई नेता के लिए नहीं आया हूं। आज देश की राजनीति आप लोग देख रहे हैं। देखो ना भैया, मैं शुरू नहीं करूंगा जब तक आप भीड़ तो मैं भाटी। बैठो दादा, आज देश की राजनीति की परिदृश्य देखो आप। आज देश में जो राजनीति दिख रही है, जो नेताओं का भमार दिख रहा है, लेकिन आज इस देश की राजनीति से शायद जितनी घृणा आप करते हो उतनी ही घृणा शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी करता है, क्योंकि इस देश में जब यह देश स्वतंत्र हुआ था, इस देश में जब स्वतंत्र संग्रामियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि एक प्रजातंत्र में आप अपना जीवन ज्ञापन कर पाओ, एक प्रजातंत्र में हम अपना जीवन ज्ञापन कर पाए,
उन्होंने माना था कि जनसेवा का पथ चलेगा और उस जनसेवा के पथ पर विकास प्रगति के आधार पर जनता चलेगी। और अगर इस राजनीति से आप भी घृणा करते हो तो अगर इस राजनीति को परिवर्तित करना है तो इस कीचड़ में आपको कूदना होगा और कीचड़ में कूदकर इसके मंथन के आधार पर एक अमृत निकालना होगा और उस अमृत के आधार पर देश में और क्षेत्र में आपको और हमें अपने बुलंद आवाज के साथ परिवर्तन लाना होगा। आज अगर खड्डा में मैं हूं, मैं आया हूं मध्य प्रदेश से, और अगर आज मैं खड्डा में आया हूं तो मैं एक नेता के लिए नहीं आया, मैं एक नेता के लिए नहीं आया हूं। मेरे भाई और बहनों सुन लो, मेरी लाल साड़ी वाली अम्मा जिससे मैं बात कर रहा था जब मैं शौचालय में गया था, विश्वास रखना कि मैं एक नेता के लिए नहीं आया हूं यहां, मैं आया हूं तो मैं एक अच्छे इंसान के लिए आया हूं। 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी की ये जयंती, बापू की जयंती, अहिंसा के पुजारी की जयंती पर राहुल गांधी जी और हम सब लोग सेवाग्राम में इकट्ठा हुए उनके चरणों को नमन करने के लिए, उस दिन जब दिल्ली में देश भर के किसान आए थे, देश भर के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई और आंसू कैस्केड को लगाए गए। और ये जो लालू जी ने कहा जब मंदसौर में, जो मंदसौर का गोलीकांड हुआ, मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं तब तक फूल की माला नहीं लूंगा जब तक इन भाजपाइयों के बोरी बिस्तर बांध के मध्य प्रदेश से रवाना नहीं करूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता को, भाजपा की बोरी बिस्तर बांध के रवाना किया। आज किसान प्रताड़ित, कहा था इन्होंने लागत का दाम आधा किया जाएगा और समर्थन में दुगना किया जाएगा। आज 5 साल निकल गए, ओम्मा पीछे पीली घूंघट में, आज 5 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, लागत का दाम दुगना हो गया और समर्थन मूल्य आधा। ना गन्ना, ना समर्थन मूल, ना खाद, ना बीज, ना पानी। राजीव गांधी ग्रामीण विकास योजना हमने दिलाई है, आरपीएन सिंह जी की मेहनत मशक्कत के आधार पर आज एक एक गांव में बिजली का खंभा, तार, डीपी, ट्रांसफॉर्मर एक एक गांव में लगा है। गालियों की गुड़ रहा है, धन्यवाद देता। अरे तालियों तो ऐसे बजाओ, तालियों तो ऐसी बननी चाहिए जो पडरौना और कुशीनगर की ताली कहला जाए। तालियां थोड़ी कम बजी, तालियां थोड़ी कम बजी। मैं बताऊं तालियां क्यों कम बजी? तालियां इसलिए कम बजी क्योंकि लाइन इन्होंने दिया, खंबा इन्होंने दिया, डीपी इन्होंने दी, ट्रांसफॉर्मर इन्होंने दी, पर अखिलेश जी और योगी जी के बीच में करंट नहीं मिली। सही है कि नहीं? सही है, तालियां बजा। जिस सरकार ने पिछले 10 सालों से, जिस सरकार ने पिछले 10 सालों से
आपकी बिजली की करंट भी है। जिस सरकार ने पिछले 10 सालों से आपकी बिजली की करंट भी है, आज मौका है 19 तारीख को उस सरकार को 11,000 वोल्ट का करंट लगाने का समय। जिस सरकार ने किसानों की नहीं पूछी, राहुल गांधी ने कहा था मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सुन रही हो मेरी लाल घूंघट वाली पीछे सुन रही हो तो हाथ उठा लो, हाथ उठा लो अगर सुन रही हो तो। राहुल गांधी ने कहा था मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनाओगे तो हर किसान का कर्जा माफ करके आओगे। हमारी सरकार तीनों राज्यों में बनी, तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी और 10 दिन के अंदर नहीं लेकिन 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में 55 लाख किसानों का 40,000 करोड़ रुपया माफ करके हम लोग ने दिलवाया। भाजपा स्तंभ, नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, किसानों की सूद नहीं ली, उनकी सोच के लिए, उनके विचारधारा के लिए कुछ नहीं। 2 महीने भाजपा मुंह बंद स्तब, आचार संहिता लगा 5 मार्च को और जैसे ही आचार संहिता लगी भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बरसाती मेढक की तरह गुटरू गुटरू करके सड़क पर, सही है कि नहीं? सही है, ताली बजाओ, ताली बजाओ, सही है, ताली बजाओ, सड़क पर निकले। अब भाजपाइयों की आदत नहीं है साफ साफ बोलने की, आमने सामने नहीं बोल सकते। मैंने शिवराज सिंह जी से कहा था विधानसभा चुनाव के पहले कि आ जाओ मेरे साथ विकास और प्रगति की बात पर परिचर्चा करो, बोले ना बाबा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा आइए मैं आपसे बात करता हूं विकास और प्रगति के नाम पर, बोले ना बाबा ना। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता कान में खुसर खुसर चौपाल में, गांव के चौपाल पर 5 लोगों के साथ बैठकर कान में खुसर खुसर एक एक चौपाल पर जाकर कान में कहते हैं भैया के गांव के चौपाल पर जाकर कहते हैं मुझे भी हो गया 15-17 साल इनको देखते हुए और मैं जान गया हूं इनकी शैली में ही इनको जवाब देना होगा। अगले बार किसी गांव के चौपाल पर आएंगे जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी, हर किसान का कर्जा पूरे देश में माफ होगा। और अगर भाजपा का नेता या कार्यकर्ता चौपाल पर आए और कहे उनके उसको कहना ठीक है कि नहीं, ठीक है
के झूठे नौटंकी बाज हो, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर, जिस भाजपा ने 5 साल आपके आंखों में धूल झोंका है, 19 तारीख को उस भाजपा को धूल चटाने का समय आ चुका है। मैं उस पर गया हूँ, अभी ट्रेलर चल रहा है तो मैं दिखा दिया। अब मेरी भी प्रतिस्पर्धा इन अभिनेता के साथ है, तो थोड़ा करिश्मा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाना होगा। सही है, किसान प्रताड़े उत्तर प्रदेश में और देश में, नौजवान कहा था इन्होंने 2 करोड़ रोजगार के अवसर लाएंगे, 2 करोड़ कहा था इन्होंने लाएंगे हम अवसरों का भंडार, लेकिन लेके आए ये पान और पकौड़े वाली सरकार। सही है कि नहीं? चलो यहां के लोग पीछे लो। अभी बालू जी कह रहे थे, आरपीएन सिंह जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में पुलिस के डिपार्टमेंट में 93 नौकरियों की इश्तिहार निकली थी, 93 नौकरियों की इश्तिहार के लिए 62,000 एप्लीकेशन, 62,000, और उन 62,000 एप्लीकेशनों में 3,700 पीएचडी, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट, प्यून के नौकरी के लिए 93,000 आवेदन आए थे। नोटबंदी ला दी उन्होंने बिना सोचे बिना समझे। पुराने जमाने में वो एक कोल्ड ड्रिंक होता था ना, इसमें लिखा जाता था कोल्ड ड्रिंक का इश्तिहार, आओ आज कुछ तूफानी कर लेते हैं। 8 नवंबर 2016 को इन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ही एक तूफान पूरे देश में रन कर दिया। कहा था इन्होंने गरीब चैन की नींद सोएगा और अमीर नींद की गोली खाएगा। अब मुझे बताओ आप लोग लाइन में खड़े थे, क्या आप लोग ने में से एक ने भी किसी अमीर या बीजेपी के नेता को लाइन में देखे? मालूम है क्यों? क्योंकि आप लोग बैंक के लाइन के आगे खड़े हुए थे और भाजपा के नेता बैंक के पीछे के दरवाजे से अपने काले को सफेद कर रहे थे। जहां एक तरफ नोटबंदी, दूसरे तरफ इनका गब्बर सिंह टैक्स, जिसने दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यापारी का पूर्ण रूप से सत्यानाश पूरे देश में कर दिया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये गब्बर सिंह टैक्स ताकि रखेंगे, ये विश्वास में आपको दिलाता। तो आज जो वातावरण इस देश में है, महिलाओं के प्रति एक असहिष्णुता का वातावरण, भाई भाई के बीच में लड़ाई तैनात करने का, आज मैं आपको ऐलान करना चाहता हूं, जो ये भाजपा लोग कहते हैं ना कि कसम गीता की कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं आएंगे। ये वो देश है मेरे भाइयों और बहनों, ये वो देश है जहां आप और हम मिलकर एक रमजान मनाते हैं, एक ऐसा रमजान जिसमें एक राम होता है। और ये वही देश है मेरे भाई और बहनों जिसमें आप और मिलकर हम मिलकर एक दिवाली मनाते हैं, एक ऐसी दिवाली जिसमें एक अली होती है।
ये देश का सांप्रदायिक इतिहास, तदभाव का इतिहास, धर्मनिरपेक्षता का इतिहास है। और ये भाजपा के लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हमें अपने धर्म का प्रमाण पत्र किसी से लेने की जरूरत नहीं है। हमारे धर्म जो एक दर्शन शास्त्र है, उसका प्रमाण आपके कण कण में है, हमारे कण कण में है मेरे भाई और बहनों। तो आज ये चुनाव जो आपके हमारे सामने है, अरे चौकीदार की बात कर रहे हो, खेत में जाके देखा है कितने आवारा पशु आते हैं, सही है कि नहीं? पूरे खेत में आवारा पशु, दिन भर मेरी महिला चौकीदारी करती है, रात भर मेरा किसान चौकीदारी करता है। और ये व्यक्ति जो अपने आप को चौकीदार कहलाते हैं, पूरे 5 साल 84 देशों का भ्रमण करके विदेशी नेताओं को छप्पी देने में लगे। कहां गए गौ रक्षक, जब हमारी गौ माता सड़क पर बैठकर ट्रक के पहिए के नीचे आती है? गौ रक्षा की बात करना है तो करके दिखाना होगा। जैसे कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में निर्णय लिया है कि हर पंचायत में गौशाला बनाकर गौ माता की रक्षा हम लोग करवाएंगे, करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कांग्रेस की सरकार आएगी तो 5 करोड़ गरीब परिवार है देश में, एक एक परिवार के पुरुष के खाते में नहीं, माफ करना क्योंकि आप हम पैसा बचाते नहीं, पैसा अम्मा बचाती है, हर महिला के खाते में 72,000 रुपया हर साल कांग्रेस की सरकार दिलवाएगी केंद्र से। ये हमारा प्रबल संकल्प है, कांग्रेस का संकल्प है कि जान जाए, जान जाए। भाजपा का संकल्प है कि बच बजाए, जान बजाए। तो आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि अगर इस क्षेत्र की विकास चाहते हो, अगर इस क्षेत्र की प्रगति चाहते हो, तो इस माटी का सपूत, आपका परिवार का सदस्य जिसने पीढ़ियों से एक ही बात सीखी है, आपकी सेवा, आपकी प्रगति, आपका भविष्य, जिसकी सोच और विचारधारा है कि इनका परिवार, इनकी पत्नी, इनकी माँ, इनकी बच्चियां नहीं, लेकिन कुशीनगर और पडरौना और खड्डा की एक एक जन जन इनका परिवार है, इनके हाथों को मजबूत करो। और अंत में मैं एक शेर अगर सुना पाऊं, सुनाऊं? आंधियों की जिद हो, सुन लो, आंधियों की जिद हो, आंधियों की जिद हो जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों का जिद हो, हमारी भी जिद है आशियां वहीं बनाने की। आंधियों का जिद हो जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है आशियां वहीं बनाने की। अगर असूलों पर आ जाए, अगर असूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर असूलों पर आ जाए, अगर असूलों पर आ जाए, अरे मेरे खड्डा की जनता, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो कि आगामी 19 तारीख को मेरे बड़े भाई, आपके सेवक, आपका परिवार का सदस्य, जो कुशीनगर का, पडरौना का, खड्डा का, यहाँ के जन जन का झंडे को उस प्रजातंत्र के मंदिर में बुलंद करेगा। हाथ उठाकर विश्वास दो कि आप
का हाथ इनके साथ और भाजपा का सुपड़ा, भाजपा का सुपड़ा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।